हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह पदभार संभालने के बाद से हरियाणा की प्रगति में अपना योगदान देना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने का काम किया। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा देश की जनता फैसला ले चुकी है। हरियाणा की जनता भी लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेगी। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। पीएम से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिला है, कई विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाया जाए। उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने 9.5 साल में जो काम किए उनसे देश और प्रदेश में नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा आज लोगों को नजर आ रहा है। हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत विकास हुआ है और गुड गवर्नेंस का उदाहरण हमारा प्रदेश रहा है। हम उनके काम को आगे बढ़ाकर हरियाणा का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम आय वालों को मदद मिलेगी। आकस्मिक मृत्यु पर 1 से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन परिवार वालों को मिलेगी जिसका एक सदस्य उसकी जान चली गई। 2200 परिवारों को 108 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा किसी गरीब परिवार के 6 से 60 साल तक की आयु के सदस्य की अचानक दुर्घटना में मौत होने पर या फिर 70% दिव्यांग हो जाने पर सहायता सरकार प्रदान करती है। इसमें अगर उम्र 6 से 12 साल की हो तो मदद मिलेगी 1 लाख रुपए, 12 से 18 साल वालों को 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, 18 से 25 साल वालों को 3 लाख रुपए की मदद और 25 से 45 साल के बीच अगर किसी की जान चली जाती है तो उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इसी तरह से 45 से 60 साल के बीच अगर उम्र है तो 3 लाख की मदद। इस लाभ में 18 से 40 साल की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री मोदी जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय योजना है, अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, उसके माध्यम से भी, क्योंकि 2,884 जो लापात्र थे उनको कहीं ना कहीं कोई बीमारी के कारण या कोई दिक्कत हो आती है शारीरिक रूप से, ऐसे पात्र लोगों को मुआवजा आज भी वो जारी किया है। ऐसे 2,884 लापात्र हैं जिनके खाते के अंदर राशि वो आज जारी की है ताकि उन तक वो राशि पहुंचे और उनको उस योजना के माध्यम से कोई दुर्घटना बीमा है उसका लाभ मिले। ये सरकार की योजनाएं हैं, आज उसको भी हमने पैसे को रिलीज किया है, उसको जारी किया है। और इसके अंदर जैसा मैंने बताया है कि जो लाभपात्र व्यक्ति हैं, सरकार ने जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक है उनको 1 लाख रुपये, और जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक है उनको 2 लाख रुपये, और जो 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक हैं उनको 5 लाख रुपए। और जो मुख्यमंत्री ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा यानी कि दयालु योजना के तहत अब तक 7,211 लाभपात्रों को मदद मिल चुकी है और 274 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि सीधे खाते में भेजी गई।
नायब सिंह सैनी ने कहा, वर्तमान रबी फसल में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें कि बाढ़ के कारण खराब हुई नरबा फसल के लिए किसानों को मुआवजा मिला। 12 जिलों के किसानों को मुआवजा राशि 87.95 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई है, जिसमें कि भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत के किसान शामिल है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार सरकार हमेशा किसानों की सहायता के लिए तत्पर है और इससे पहले भी सरकार ने किसान हित में कई बड़े फैसले किए हैं। देखिए, सरकार किसान हित की सरकार है और किसान के अगर फसल का कोई खराबा होता है, सरकार उसको तुरंत तत्परता से काम करते हुए उस तक मुआवजा पहुँचाने का काम करती है और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी प्रकार की अगर किसान की फसल के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के कारण उसको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय के ऊपर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2023 के दौरान बाढ़ से खराब हुई नरबा की फसल का मुआवजा लेने के लिए 2,43,287 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया गया था। इसमें से वेरिफिकेशन के बाद 84,483 एकड़ भूमि के खराब फसल की पुष्टि हुई, जिसको किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड भी किया। इसकी वेरिफिकेशन के बाद प्रदेश के 33,483 किसानों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। और उसी कड़ी के अंदर आज 2023 जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का, जो नरमा की फसल है, कॉटन की फसल, उसके खराबे का, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा आई है, उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था, लगभग आज 87,95,00,000 रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। और क्योंकि सरकार लगातार ये पोर्टल जिसके ऊपर अगर किसान की फसल खराब होती है वो अभी भी खुला है, हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कुशल रहें, किसी प्रकार की उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा ना आए, और अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़ी है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जो ये मुआवजा 2023 का था, आज उसको हमने रिलीज किया है, लगभग ये 87,95,00,000 रुपए की अमाउंट का ये मुआवजा आज जारी हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस दिशा में समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा चिकित्सा सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय सहायता तीसरी और चौथी स्टेज कैंसर रोगी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कैंसर एवं 55 अन्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को वित्तीय मदद देने के लिए 2 नई योजनाओं का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज के रोगियों को मदद मिलेगी, हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा 55 अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों की भी मदद की जाएगी। व्यक्ति सरल पोर्टल के जरिए मदद मिलने वाली है, ऑनलाइन आवेदन करके लोग लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसमें लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी मदद मिलेगी। और एक आज पोर्टल और लॉन्च किया है कि जो बहुत ही कैंसर या अन्य दुर्लभ बीमारियां हैं उसके अंदर एक लिस्ट है पूरी की पूरी, ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी को कोई बीमारी जो हो जाती है, उनको उस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता दिया जाता है 3,000 रुपये, उस तरीके को उनको ये पेंशन लग करके उनको लाभ पहुंचाने का काम भी ये आज इस पोर्टल के माध्यम से होगा। जो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा इस प्रकार का, क्योंकि उसको डॉक्टर वेरीफाई करते हैं, एक टीम बनी हुई है कि इसको कोई कैंसर या कन्या कोई डिजीज़ जो बीमारी है जिसके कारण वो पीड़ित है और इलाज कराने के अंदर उसको दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ये पेंशन की उसके माध्यम से सुविधा है, आज उस पोर्टल को भी ऑनलाइन लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने कहा कि पहले की गई सीएम घोषणाओं को तय समय पर पूरा किया जाएगा, साथ ही जनसंवाद और सीएम विंडो पर आई शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा।
नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी लक्ष्य को पूरा करने और देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों को पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार तत्पर है। वंचित समाज की महिलाओं और पुरुषों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सोच पोर्टल कारगर साबित होगा। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, इसको सुनिश्चित करना प्रशासन का प्रथम कर्तव्य बनता है। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी आती है तो सीधा इस बारे में जानकारी दे सकता है और इस तरह से आज तकनीक का इस्तेमाल कर हरियाणा वासियों को सुविधाएं भी घर बैठे मिल रही है और तो और उनकी समस्याओं का समाधान भी घर बैठे बैठे हो रहा है। बार 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात देंगे। इस सौगात के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से गांव उमरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है। इस स्मारक का भूमि पूजन कार्यक्रम 15 मार्च को दोपहर 2 बजे होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक सुभाष सुधा, विधायक ईश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। इस पर हमारी देखिए खास रिपोर्ट। संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे शामिल। संत शिरोमणि गुरु रविदास के स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरु रविदास स्मारक की सौगात लोगों को देंगे। सरकार ने गांव उमरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है। तैयारी कैसी है, जायजा लेने के लिए विधायक सुभाष सुधा, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया समेत कई लोग पहुंचे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल देश और प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगात दे चुके हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र को संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात देने के लिए 15 मार्च को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँच रहे हैं। तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में आदमी हमारे मार्गदर्शक आदमी श्री, मैं कहूँगा मुख्यमंत्री मनोहर जी ने बहुत काम किया है। मैं दिल से कहूँगा कि इतना कह सकूँ, मैं दिल से कोई इसमें नहीं है कि रात 24 घंटों में से 18 घंटे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। आज उनकी प्रेरणा है हमारे, हम जितने विधायक हैं जितना भी उनके गुणगान से कर सकें उतना भी कम है, क्योंकि हमारी प्रेरणा का स्रोत है। हमने बेटे की तरह, भाई की तरह हमें प्यार दिया है। उस प्यार के नाते आज उन्होंने जिस प्रकार से चौधरी नायब सिंह सैनी जी को देश का मुख्यमंत्री दिया, ये आशीर्वाद है इस कार्यक्रम में सीएम और पूर्व सीएम शिरकत कर रहे हैं, इसलिए नागरिकों और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह काफी ज्यादा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और आम जन के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध भी फिलहाल किए गए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, शायद मेरे ख्याल 56 वर्ष बाद किसी के मुख्यमंत्री चुना गया। मैं ये कहूँगा कि किसी जाति से हमें मुख्यमंत्री को नहीं देखना चाहिए, मुख्यमंत्री सबका होता है। मनोहर लाल जी ने नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी, ठीक है, सबका एक संबंध होता है। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने कभी अपनी बात की कभी बात ही नहीं की। उनके सरल स्वभाव से, उनकी नॉलेज से, संगठनात्मक नॉलेज भी उनके साथ साथ उनको प्रशासनिक नॉलेज भी, वो विधायक रहे, मंत्री रहे, सारा अनुभव उनका, उसके बाद सांसद रहे, अच्छा नेतृत्व करने को मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें भी हरियाणा का मुख्य विकास हुआ। आप दोबारा नायब सिंह सैनी जी ने जब से मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए रोटी हरियाणा का जो उनका विकास, इस धाम के बाद एक नई ख्याति इस स्थान को मिलने जा रही है
और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी कल इसका भूमि पूजन भी करेंगे, उसका शिलान्यास भी करेंगे और इसमें बहुत बड़ी धनराशि हरियाणा सरकार अपने सरकारी खर्चे पर करेगी। और इस प्रकार की चीजें क्योंकि संत सर्वज्ञ रविदास जी महाराज ने किसी एक वर्ग के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक एरिया के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत बड़ा उनका जो स्वरूप था, सोच थी, विचार था, उसको स्थापित करने का काम किया। आज सैकड़ों साल के बाद भी उनकी कही हुई बातें लोगों के जहन में है, लोगों के लिए फिलोसफी बन चुकी है। तो प्रत्येक व्यक्ति उसके ऊपर सोच के, विचार करके, चिंतन मंथन करके बहुत आगे बढ़ने का काम करता है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक बनने से कुरुक्षेत्र को एक नई ख्याति मिलेगी। इस स्मारक का 15 मार्च को भूमि पूजन होने जा रहा है। इस स्मारक के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से पर्याप्त अनुदान राशि भी मुहैया करवाई जाएगी। इस स्मारक में संत शिरोमणि गुरु रविदास की शिक्षाओं और विचारों से समाज को शिक्षित किया जाएगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।